नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नॉलेज साथी यूट्यूब चैनल में आप सबनु फरी स्वागत छे। तो मित्रों, आज आप आ वीडियो नी अंदर गुजरातना इतिहासनी आपणे 20 प्रश्ननी टेस्ट जोवाना छे। तो मित्रों, आ 20 प्रश्न में दरेक प्रश्न माटे तमने 5 सेकंडनो टाइम आपवामां आवशे अने आ 5 सेकंडथी वधारे तमारे जो समय जोईतो होय तो आ वीडियोने पॉज करीने तमे समय लई शको छो। अने मित्रों, आ प्रश्न जे 20 प्रश्न जे छे तेमांथी केटला प्रश्न तमारे साचा पड़े छे, एटले के तमारो मूल्यांकन केटलू थयुं छे ते नीचे कमेंट बॉक्स में जणावो भूलता नहीं। अने मित्रों, जो आ वीडियो तमने पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक कर दीजो अने तमारा फ्रेंड सर्कल में शेर कर दीजो अने आवाज वीडियो मेळवा माटे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करीने बाजूमां आवेला बेल आइकन ने ऑन कर दीजो। तो चलो मित्रों, आजनी टेस्ट शुरू करिए। सौथी पहेलो प्रश्न छे के प्लासीनुं युद्ध क्या स्थळे थयुं हतुं। तो तेना ऑप्शन मित्रों तमे जोई शको छो स्क्रीन पर। ऑप्शन ए छे हल्दीघाटी में, ऑप्शन बी प्लासीना मैदान में, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में के ऑप्शन डी दिल्ली में। तो मित्रों, तमारो समय चालू थाय छे। तो तेनो साचो जवाब मित्रों आवशे ऑप्शन बी, एटले के प्लासीना मैदान में आ प्लासीनुं युद्ध थयुं हतुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर बे जोईए कि योग सूत्रना रचयिता कोण हता। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए बादरायण, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी कपिल। तेमा साचो जवाब आवशे ऑप्शन बी एटले के पतंजलि। प्रश्न नंबर 3 के क्या ग्रंथ ने वेदांत पण कहे छे। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए उपनिषदो, ऑप्शन बी आरण्यको, ऑप्शन सी षटदर्शको, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथो। तो तेनो समय शुरू थाय छे। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए उपनिषदो। प्रश्न नंबर 4 के त्रिरत्न क्या धर्म साथे संबंधित छे। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी वैष्णव। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन सी एटले के जैन धर्म। प्रश्न नंबर 5 के अष्टांग मार्ग नो उपदेश कोणे आपेलो छे। तो अष्टांग मार्ग नो उपदेश कोणे आपेलो छे। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए गौतम बुद्धे, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी असो जरथुस्ट्रे। तो तेनो समय शुरू थाय छे। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए एटले के गौतम बुद्धे। प्रश्न नंबर 6 के भारतनी प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ क्या स्थळे आवेली छे। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए पाकिस्तानमां रावलपिंडी पासे, ऑप्शन बी पंजाबमां लाहौर पासे, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेशमां, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेशमां गढ़वाल पासे। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए के पाकिस्तानमां रावलपिंडी पासे। प्रश्न नंबर 7 के खालसा पंथनी स्थापना कोणे करी हती। तो तेना ऑप्शन छे गुरु हरगोविंद सिंहे, ऑप्शन बी गुरु रामदासे, ऑप्शन सी गुरु हरचरण सिंहे, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंहे। तो तेमा साचो जवाब बनशे ऑप्शन डी एटले के गुरु गोविंद सिंहे। प्रश्न नंबर 8 के गुप्त संवत कोणे शुरू कर्यु हतु। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए समुद्रगुप्ते, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त बीजाए, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त पहलाए, ऑप्शन डी कुमारगुप्ते। तो तेमा साचो जवाब बनशे चंद्रगुप्त पहलाए। प्रश्न नंबर 9 क्या सम्राट ने हिंदनो नेपोलियन कहे छे। तो तेना ऑप्शन छे ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्ष ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो तेमा साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए એટલે કે સમુદ્રગુપ્ત ને। પ્રશ્ન નંબર 10 કે સાતવાહનોના સમયનું ગોદાવરી તટે વસેલું પ્રસિદ્ધ નગર કયું હતું। તો તેના ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ એરિક્કા મેન્ડુ, ઓપ્શન બી ઇન્દ્રપ્રસ્થ, ઓપ્શન સી તુરંદર, ઓપ્શન ડી પ્રતિષ્ઠાન। તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી પ્રતિષ્ઠાન। પ્રશ્ન નંબર 11 કે કયા રાજાને દક્ષિણા પથનો સ્વામી કહે છે। તો તેના ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ સિમુકને, ઓપ્શન બી ગૌતમી પુત્ર સાતકર્ણીને, ઓપ્શન સી શ્રી સાતકર્ણીને, ઓપ્શન ડી વશિષ્ઠ પુત્ર પુલુમાઈને। તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન સી શ્રી સાતકર્ણીને।
प्रश्न नंबर 12 के दिल्ली पहला क्या नाम थी ओळखातु हतु? तो तेना ऑप्शन छे, ऑप्शन ए विराटनगरी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी पंचाल प्रदेश, ऑप्शन डी कलिंग। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन बी एटले के हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर 13 के भारत में छेले आवनार यूरोपियन प्रजा कई हती? तो तेना ऑप्शन छे, ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पोर्टुगल, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए एटले के फ्रेंच। प्रश्न नंबर 14 नालंदा यूनिवर्सिटी नो नाश करनार कोण हतो? तो तेना ऑप्शन छे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद घोरी, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनी, ऑप्शन डी बख्तियार तैयबजी। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन डी बख्तियार तैयबजी। प्रश्न नंबर 15 जोईए के हरिजन सेवक संघ नी स्थापना कोणे करी हती? तो तेना ऑप्शन छे, ऑप्शन ए महात्मा गांधीजीए, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी अमृतलाल ठाकरे, ऑप्शन डी लोकमान्य टिळके। तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए महात्मा गांधीजीए। प्रश्न नंबर 16 के बीबीका मकबरा ए कोनी कबर छे? तो तेना ऑप्शन छे, ऑप्शन ए शाहजहाना बेगमनी, ऑप्शन बी अकबरनी बेगमनी, ऑप्शन सी औरंगजेबनी पत्नीनी, ऑप्शन डी हुमायूनी बेगमनी। तेनो साचो जवाब बनशे औरंगजेबनी पत्नीनी। प्रश्न नंबर 17 जोईए के कुतुब मीनार कोनी यादमां बंधायेलो छे? तो तेना ऑप्शन छे, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियारना नामे महान सूफी संतनी यादमां, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबकनी यादमां, ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन घोरीनी यादमां, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन घोरीनी यादमां। तो तेमा साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए एटले के कुतुबुद्दीन बख्तियारना नामे एक महान सूफी संतनी यादमां आ कुतुब मीनार बंधायेलो छे। प्रश्न नंबर 18 के खजुराहो शा माटे प्रसिद्ध छे? तो तेना ऑप्शन छे, ऑप्शन ए मंदिरो अने मंदिरोनी दीवाल परना काम शिल्पोनी कला माटे, ऑप्शन बी रथ मंदिरो माटे, ऑप्शन सी बौद्ध विहारोना स्थापत्यो माटे, ऑप्शन डी शैव गुफाओ माटे। तो तेनो साचो जवाब बनशे ऑप्शन ए એટલે કે મંદિરો અને મંદિરોની દીવાલ પરના કામ શિલ્પોની કલા માટે। પ્રશ્ન નંબર 19 કે ખજુરાહોના મંદિર કયા વંશના રાજાઓએ બંધાવ્યા હતા? તો તેના ઓપ્શન છે, ઓપ્શન એ પરમાર, ઓપ્શન બી સોલંકી, ઓપ્શન સી ચંદેલ, ઓપ્શન ડી ચેદી। તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન સી ચંદેલ। પ્રશ્ન નંબર 20 જોઈએ કે દક્ષિણ ભારતનું પ્રાચીન સંગમ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં તૈયાર થયું હતું? તો તેના ઓપ્શન છે, ઓપ્શન એ તેલુગુ ભાષામાં, ઓપ્શન બી તમિલ ભાષામાં, ઓપ્શન સી મલયાલમ ભાષામાં અને ઓપ્શન ડી કન્નડ ભાષામાં। તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન બી એટલે કે તમિલ ભાષામાં। તો મિત્રો આ આપણે 20 પ્રશ્નોની ટેસ્ટ જોઈ। જો મિત્રો તમારે આ 20 પ્રશ્નોમાંથી કેટલા પ્રશ્ન તમને આવડ્યા છે તો તેના નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં તમારા માર્ક્સ જણાવજો। અને મિત્રો જો આવો વધારે વિડીયો મેળવવો હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને ઓન કરી દેજો જેથી તમને રેગ્યુલર આ ટેસ્ટના વિડીયોઝ તમને મળતા રહેશે। તો ચલો મિત્રો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।